वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुकुल्ड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फिगर ओ इज देंटर ऑफ द सर्कल वी नीड टू फाइंड द साइज ऑफ इच लेटर्ड एंगल ठीक है तो शुरू करते हैं तो ये देखिए ये है डायग्रम क्वेश्चन नंबर फाइव सब पार्ट वन का और राइट right. ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है एक सर्कल है दिस इज द डायमीटर ए बी डायमीटर के दोनों तरफ क्या है ट्राइंगल है और राइट right. अब इसके बेसिस पे देखिए हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर एंड ओ इज देंटर ऑफ द सर्कल एंगल सी ए बी इज थर्टी टू डिग्री सी ए बी इज थर्टी टू डिग्री ए बी डी इज फिफ्टी डिग्री एंड एंगल सी इज नाइन्टी डिग्री थी अब आप पूछिएगा की मैम ये नाइन्टी डिग्री तो बुक में मैंशन नहीं था और ये है दोनों ई और एक्स तो so, ये नाइन्टी डिग्री मैंशन नहीं था तो आपने इसको ये राइट right एंगल का साइन कैसे दिया सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इज दी ऑफ एन एंगल इन सेलवेज नाइंटी डिग्री रिमेम्बर दिस ये एक प्रॉपर्टी है ये देखिये रेफर टू पेज टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री यू विल फाइन्ड इट सो आगे बढ़ते हैं सो बाई एन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी अब हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी का तो यहाँ एंगल सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन डिग्री है ना दिस इज ट्राइंगल वन एंड दिस इज ट्राइंगल टू सो सबका वैल्यू लिखते हैं एंगल सी इज नाइन्टी डिग्री नेक्स्ट इज थर्टी टू डिग्री प्लस एक्स विल गिव हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री अब हम लोग को पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं सो वन हंड्रेड एंड एट्टी और यहाँ पे नाइनटी प्लस थर्टी टू किए वो आया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू प्लस उसको हम लोग ले गए राइट हैंड साइड हो गया माइनस हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज फिफ्टी एट डिग्री एक्स का वैल्यू निकल गया सिमिलरली अब हम लोग डील करेंगे ट्राइंगल नंबर टू विच इज ए बी एंड डी राइट सब सिमिलर है ट्राइंगल ए की तरह सो सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इज नाइंटी डिग्री प्रॉपर्टी वही है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इनमी डिग्री एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री अब सबका वैल्यू बिठाते हैं सो एंगल ए बी डी is 50 degree plus 90 degree plus y will give us 180 degree. Hence the value of y is 180 minus 140. So the ultimate value of y is 40 degree. Hence हम लोगों ने x और y का value निकाल दिया. Now second part of question number five ये है हमारा figure और figure के अंदर दो triangle है. All right. अब चलिए कैसे हम लोगों को statement बनाना है इन द फिगर ए सी इज द डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और क्या दिया गया है एंगल डी ए सी इज थर्टी सेवन डिग्री और क्या बोला गया है ए डी स्पेर टू बी सी राइट और ये है वाई और यह है एक्स ये सब कुछ फिगर में दिया है नाउ सिंस ए डी स्पेरल टू बी सी तो अब क्या हो गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी ये देखिए Z फॉर्म हो रहा है ना ऑल्टरनेट एंगल क्या है फॉर्मेशन ऑफ Z दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ X इज 37 डिग्री मिल गया नाउ अब ये है 37 सेवन डिग्री ये है 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल सो वी कैन इजली फाइंड आउट वाई तीनों को ऐड करिए इज इक्वल टू वन डिग्री तो ये देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी

सब पार्ट थ्री ये फिगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल है ए बी सी ओ इज द सेंटर दिस इज एंगल एक्स और ये देखिए लाइन ए बी एंड बी सी आर इक्वल ऑल राइट सो इन द फिगर ए सी इज द डायमीटर विद द सेंटर ओ एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी देफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए रीजन है एंगल्स ऑफ आइसोसिल जब ए बी और बी सी इक्वल हो ऑफ अ गिवेन ट्राइंगल दैट मीन वो हो गया आइसोसिलीज क्या है दिस इज दंगल इन अमी सर्कल सो एंगल बी इज नाइंटी डिग्री एंगल ए बी सी इज नाइंटी डिग्री राइट तो ये नाइन्टी डिग्री है और ये दोनों जो है वो इक्वल है तो वैल्यू कैसे निकालना है सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल अ ट्राइंगल एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एल गिव हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री सो एक्स प्लस एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन एटी सो टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस बाई टू therefore the ultimate value of x is 45 degree each so jaisa ki aap figure mein dekh sakte hain ye hai circle aur circle ke andar hai triangle abc aur jo line bc hai that has been produced or extended till d ab yahan pe kya mention hai ye jo aapka angle acd that is 122 degree और ये जो angle BAC ए सी है दैट इज एक्स अच्छा तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है

अननोन किया है एंगल ए सी बी सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी माइनस हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट डिग्री सो ये हो गया फिफ्टी एट डिग्री और एंगल ए बी सी क्या है नाइंटी डिग्री रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल तो वी कैन इजली फाइंड आउट एक्स राइट सो इन एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज नाइंटी डिग्री रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड देन बाय दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तीनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए सो so यहाँ पे सबका वैल्यू बिठाते हैं सो so 90 प्लस एक्स प्लस फिफ्टी इज वन एट्टी दे फोर एक्स इज वन एट्टी माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट माइनस हंड्रेड एंड फोर्टी एट कहाँ से आया नाइन्टी प्लस फिफ्टी एट जो आया प्लस वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट उसको राइट हैंड साइड ले गए हो गया नेगेटिव द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी टू नाउ सब पार्ट फाइव ये सर्कल है और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है विच इज ए बी और सी राइट एंगल बी सी ए इज़ एक्स ये जो आपका एक एंगल फॉर्म हुआ है एंगल डी ओ सी दैट इज वाई और एंगल बी ए सी इज फोर्टी डिग्री तो हम लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ और इज इज टू टू सो और यहाँ पे एंगल सी ए बी फोर्टी डिग्री है तो अब हम लोग शुरू करते हैं सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री विच इज एंगल इन अ सेमी सर्कल हेन्स बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे विच शुड कम डाउन टू वन एट्टी डिग्री सो फोर्टी प्लस नाइन्टी प्लस एक्स

सी ए ये डॉट ठीक है यानी कि एक्स रीजन क्या हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर तो अब ये देखिए एंगल ए ओ डी टू एक्स और एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए विच इज फिफ्टी डिग्री अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे वाई का वैल्यू तो ये देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्ल टू वन एट्टी डिग्री लीनियर पेर राइट ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल ऑलवेज वन एट्टी डिग्री तो एक का तो वैल्यू मिल ही गया विच इज फिफ्टी सो फिफ्टी प्लस वाई इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री हैंड्रेड एट्टी माइनस फिफ्टी विच इज हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री हैंस एक्स का वैल्यू है फिफ्टी डिग्री एंड वाई इज हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री नो सब पार्ट सिक्स इन दिगर ए सी इज द डायमी एंड ओ इज देंटर अब क्या बोला गया है ये देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी ये तीन लाइन इक्वल है और राइट अब यहाँ देखिये दो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी राइट ये जो है वर्टसेस ये इक्वल है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रैंगल वन विच इज ट्राइंगल ए बी सी सो ए बी एंड बी सी इज इक्वल ये है एंगल ए बी सी विच इज नाइन्टी डिग्री रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट और अब ये देखिए बाय सम एंगल प्रॉपर्टी इन तीनों को ऐड करने से वन एट्टी होना चाहिए पर जस्ट बिकॉज दोनों साइड इक्वल है तो ये होगी आई सोशलिस्ट ट्राएंगल यानी कि ये दोनों एंगल सेम है इक्वल है तो ये क्या हो गया एक्स प्लस एक्स प्लस नाइन्टी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री राइट सो टू एक्स इज वन एटी माइनस द वैल्यू ऑफ एक्स इज नाइन्टी डिवाइडेड बाय टू विच इज फोर्टी फाइव डिग्री सो हम लोगों को एक्स का वैल्यू मिल गया अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट ट्रा एंगल विच इज ट्राएंगल बी सी डी और यहाँ पे हम लोग निकालना है वाई का वैल्यू अब यहाँ भी गौर से देखिए तो बी सी और सी डी आर इक्वल दैट मीन दिस इज एन आइसोसेलेस राइट ए ये दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए अब ये देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लोग बताने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सटीरियर एंगल ये देखिए ये है ट्राइंगल टू तो ये हो गया ना एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर हो गया इस ट्राइंगल के अब ये देखिए ये जो एंगल सटा हुआ है ट्रैंगल टू का विच इज एक्स तो ये क्या हो गया द एक्सटीरियर एंगल ए सी बी दैट मीन दिस एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल विच इज एंगल सी बी डी एंड एंगल सी डी बी मतलब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल राइट तो हम लोगों को एक्स का वैल्यू क्या मिला था फोर्टी फाइव है ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ये देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस का वैल्यू था टू पॉइंट फाइव डिग्री और ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री क्लियर सो लेट मी रिमाइंड यू डियर्स कि इस सम में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है आपको वो सब दिमाग में रखना है तभी आप इजिली और स्मूदली सम्स को सॉल्व कर सकेंगे नाउ सब पार्ट सेवन ये है हमारा फिगर और राइट सो इन द फिगर ए बी इज द डायमीटर विद सेंटर ओ एंड एस टी इज द टैंजेंट एट बी मतलब वो मीट कर रहा है बी पे उसको मीट करके आगे बढ़ गया और राइट right? मिलकर आगे बढ़ गया नाउ, अब ये जो ट्राइंगल है ए बी एस और एस बी सो ये जो ट्राइंगल है अब ये देखिए एंगल ए एस बी इज सिक्सटी फाइव डिग्री और राइट और ये है एक्स जिसको की फाइंड आउट करना है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल इन दिस ट्राइंगल सिंस टी एस इज टैंजेंट एंड ओ बी इज द रेडियस और डेफो ओ बी इज पडिकुलर टू द टैंजेंट है ना ये भी एक प्रॉपर्टीज है जो की आपको प्रीवियस पेजेस में मिल जाएगा सो so, जब कभी एक टैंजेंट लाइन पास होता है एंड इट ट साइड ऑफ ए सर्कल तो वो जो रेडियस है वो वहाँ पे एक पर्पेंडिकुलर बनता है विच इज नाइन्टी डिग्री ये चीज याद रखियेगा सो so, इस ट्रैंगल में देखिए ये है सिक्सटी फाइव डिग्री ये है नाइंटी डिग्री सो वी कैन इजली फाइंड आउट एक्स सो बाई सम एंगल प्रॉपर्टी तीनों को एड करिए विच शुड कम डाउन टू वन एट्टी डिग्री सो एक्स प्लस प्लस नाइन्टी इज वन एट्टी डिग्री और एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस हंड्रेड वैल्यू ऑफ x इज ट्वेंटी फाइव डिग्री नाउ सब पार्ट इन दिस फिगर ए बी इज द सेंटर ओ और एस टी जो है वो है टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है बी एस इज इक्वल टू बी इक्वल है तो अब अब गौर से देखिए ये ट्राइंगल है टू साइड्स आर इक्वल यानी ये टू एंगल्स आर ऑल्सो राइट और ये हो गया हमारा नाइंटी डिग्री बिकॉज जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द किस राइट सो अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी वन एट्टी डिग्री और सिंस ये दोनों एंगल सेम है तो इसीलिए हमने दो बार एक्स लिखा है सो so यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस एक्स करके करेंगे राइट right? तो वो हो गया टू एक्स इजिकल टू नाइन्टी डिग्री एक्स का वैल्यू निकला फोर्टी फाइव डिग्री आप एक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक्स और वाई करके लिया था पर वो प्रोसेस लेंदी हो जा रहा है इसीलिए द बेस्ट थिंग इज एक्स प्लस एक्स इन द केस ऑफ आईसोसिल Now in this figure, RS is the diameter with center O and SR is produced at Q. Extend किया गया है। अब दूसरा चीज QT is the tangent meeting at the to the circle at P. Clear? और OP को join किया हुआ है। यहाँ पे angle QOP is x degree, जिसको की find out करना है। Angle QSP is y. an angle SQP is 36 degree, right? सिक्स डिग्री राइट अब हम लोग क्या करेंगे अब ये देखिए पी टी जो है वो टैंजेंट है टू द रेडियस ओ पी दैट मीन्स नाइन्टी डिग्री क्लियर तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं ट्राइंगल क्यू तो हम लोगों को दो एंगल मिल गया सो वी कैन इजिली फाइंड आउट एक्स तो हम लोग वही करेंगे तो ये देखिए

हैंस उसके दो ऑपोजिट दो एंगल्स इक्वल होंगे राइट right? तो एंगल ओ पी एस इज इक्वल टू एंगल ओ एस पी विच इज वाई क्लियर एंड एक्सटीरियर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी एस प्लस एंगल ओ एस पी इसका रीजन क्या है सो रीजन देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज़ इक्वल टू द सम ऑफ़ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्लियर तो ये देखिए y प्लस वाई इज टू वाई सो टू वाई इज इक्वल टू एक्स विच इज फिफ्टी फोर सो टू वाई इज इक्वल टू फिफ्टी फोर और y इज इक्वल टू फिफ्टी फोर बाई टू हेन्स का वैल्यू है ट्वेंटी सेवन डिग्री ना क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पर भी फिगर देखिए वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल एज वाई जैसा कि क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोगों ने किया राइट सो सब पार्ट वन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और राइट ये है हमारा सेमी सर्कल सो ओ इज द सेंटर ए बी इज फिफ्टीन सेंटीमीटर बी सी इज एट सेंटीमीटर ठीक है ये देखिए ये है सेमी सर्कल उसके अंदर एक ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी राइट सिंस एंगल ए बी सी इज नाइंटी डिग्री क्यों नाइंटी डिग्री है क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट सो अब ये देखिए जस्ट ऑब्जर्व द ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल यहाँ की ए बी और बी सी का मेजरमेंट दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट साइड मेजरमेंट थोरम ए सी स्क्वे टू ए square ये है हमारा थ्योरम राइट सो ए सी स्क्तर क्या हो गया ए सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्वायर टू रेस्पेक्टिव वैल्यू है फिफ्टीन स्क्र प्लस एट स्क्र विच इज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटी फोर विच गिव टू हंड्रेड एंड एट्टी नाइन सो यहाँ पे था ए सी स्क्वेयर ऑल द वे राइट सो अब ए करेंगे और स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 एटी नाइन के ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट सो वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 289 व्हिच इज 17 सेंटीमीटर सो ए और एक्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर अब यहां देखिए फिगर में बो दिया गया है दैट AC इज एक्स और ए इज Y. That means half of x. Therefore, y is equal to 17 divided by 2, which is 8.5 centimeter. Now, sub part two of question number six. This figure is circle. All right. A point P is two tangent. Jara hai towards the circle meeting at S and T. So statement O हैं. O is the center of the circle. PT and PS are the tangent to the circle from the point P. डन ओ टी एंड ओ एस आर द रेडी जैसा की आप देख सकते हैं और रेडियाई का मेजरमेंट मैं विच इज फाइव सेंटीमीटर तो इसीलिए मैंने दोनों जगह लिख दिया नाउ एंगल एंगल ओ एस पी इज नाइन्टी डिग्री क्यू परपेंडिकुलर लाइन टू देंजेंट इज ऑलवेज नाइन्टी डिग्री राइट अब देखिए ओ एस इज इक्वल टू ओ टी विच इज फाइव सेंटीमीटर टीमीटर अब रीजन क्या है टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ वेन दे टच दर्कल ये पॉइंट याद रखियेगा दे विल बी ऑलवेज इक्वल अच्छा दूसरे तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या है जस्ट लुक एट दिस टू ट्राइंगल ठीक है अब ये देखिए दिस इज इक्वल टू दिस फाइव सेंटीमीटर कॉन्क्रुएंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वेदर दे आर इक्वल और नॉट दिस साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल तीसरा हो गया एंगल राइट right? तो ये क्या हो गया आर एच एस विच मेक्स द ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट है ना राइट एंगल साइड तो इसका मतलब ये सब कुछ इक्वल है ये दूसरा रीजन है वे यू कैन प्रूव योर पॉइंट नाउ आगे बढ़ते हैं

सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 सेंटीमीटर तो OP क्या है वो है x तो x का वैल्यू निकल गया 13 सेंटीमीटर सिंस PS इज इक्वल टू PT व्हिच इज 12 सेंटीमीटर हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 12 सेंटीमीटर तो ये सम को आप दो तरीके से कर सकते हैं गॉट इट नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा फिगर और फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर एक्सटेंडिंग वे टचिंग द सर्कल एट टी वन एंड टी टू राइट अब ये देखिए ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ टी इज द रेडियस फ्रॉम पी पी टी वन एंड पी टी टू आर टेंजेंट्स राइट सो ओ टी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर पी टी वन इज एटीन सेंटीमीटर ये देखिए नाइन्टी डिग्री आपको पता है रीजन सो सिंस इज़ द रेडियस एंड पी टी वन इज परपेंडिकुलर टू दिस इज़ द रीजन हो गया नाइन्टी डिग्री नाउ अब ये देखिए ये है ट्राइंगल ओ टी वन पी राइट सो नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी विल फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम ये देखिए साइड दिया है और आपका ये 90 डिग्री है वो साइड का मेजरमेंट है सो ओ पी स्क्र इज इक्वल टू ओ टी स्क्स पीटी स्क्न का वैल्यू क्या है ट्वेंटी सिक्स प्लस गिव अस 576 प्लस 329 दैट कम्स डाउन टू नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 900 हंड्रेड विच इज थर्टी सेंटीमीटर सो ओ पी का लेंथ है

18 centimeter. So, with this, we come to the end of exercise 15.